दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी आबकारी नीति मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा है कि ईडी का संबंध गैरकानूनी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के संबंध को गैरकानूनी बताया गया है। अरविंद केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए कहा है कि समन पर वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कानूनी तरीके से समन भेजा जाएगा तो वो उसे जरूर तामील करेंगे। तो लगातार पांचवीं बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सादिक खान जुड़ चुके हैं। जी सादिक, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही, पांचवें समन के बाद भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उनका कहना है कि समन गैर कानूनी है। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से एक के बाद एक और आप पांचवा समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा, लेकिन उस समन को अरविंद केजरीवाल आज साफ तौर पर असंवैधानिक बता रहे हैं पूरी तरह से। ये समन जो बार बार भेज रहे हैं ईडी, ये गलत है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर डरेंगे नहीं। आज भी बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तरफ कूच करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा, लेकिन भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप का यह दौर यहाँ पर जारी रहा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से भारतीय जनता के खिलाफ मोर्चा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खोला है, साथ ही साथ समन की बात करें तो ईडी ने पांचवा समन दिया था, क्या लगता है आपको इसके बाद एक और समन आ सकता है? लगातार जिस तरह से ईडी की प्रक्रिया रही है अलग अलग राज्यों में। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक के बाद एक समन, अभी पांचवा समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा, लेकिन समन को जो है अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट करते हुए यहाँ नजर नहीं आ रहे। साथ ही लगातार ईडी कह रही है कि पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेज रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पांचवें समन के बाद भी ईडी के समक्ष पेश होने के लिए तैयार नहीं है। अब यह आगे देखना है कि आम आदमी पार्टी आगे जो छठे समन का इंतजार कर रही है या ईडी के समक्ष अरविंद केजरीवाल समय से पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल सादिक, इसके अलावा जिस तरह से अलग अलग जगह पर यह देखा गया है कि समन पर यदि पेश नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी को लेकर भी कई बार खबरें निकलकर सामने आ रही थी, क्या लगता है अगला कदम क्या कुछ होता है? समन का इंतजार किया जाएगा या जिस तरह की कार्रवाई झारखंड में देखने को मिली है, ऐसी कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रियंका ये जो समन भेजे जा रहे हैं ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी भी समय जिस तरह से एक के बाद एक समन भेजा जा रहा है, पांचवा समन भेजा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आगे ईडी और सख्त रुख अपना सकती है। शायद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए फिर ईडी कोई अगला ठोस कदम उठा सकती है। उसी से बचते हुए अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के बीच लगातार यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, पांचवें समन के खिलाफ जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन भी किया है, क्या इसे आम आदमी पार्टी की रणनीति माना जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस पूरे मुद्दे को आम आदमी पार्टी भुनाती हुई नजर आ रही है, लगातार अरविंद केजरीवाल जनता से अपने समर्थकों से यही कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, जो हमारी आप लोगों की आवाज़ है उन्हें दबाया जा रहा है, लेकिन हम डरने दबने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी थी मुख्यमंत्री ने कूच किया था लेकिन पुलिस ने बीच में रोक दिया है, क्या कुछ अगला कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकता है कि इस बारे में कोई जानकारी कोई इनपुट आप तक पहुंचाए? जी बिल्कुल, हमने आज जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन चला था वहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ जुटे थे, लेकिन जिस दौरान ये पार्टी मुख्यालय की तरफ इन्होंने भाजपा कूच किया, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। वही हमारी आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडरों से बात हुई जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी अब एक अहम बैठक, आज जो पार्टी ऑफिस पे समय एक बैठक
चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी नया कोई प्लान तैयार कर रही है। जी जी बिल्कुल, रणनीति पर चर्चा चल रही है, कार्यकर्ताओं को किस तरह का दिलासा दिया गया है समन के बाद में? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने जिस दौरान आम आदमी मुख्यालय पार्टी मुख्यालय से चले थे, उसी दौरान कार्यकर्ताओं से यही संदेश उन्हें दिया था कि हमें प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से हमें रखना है, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना है, लेकिन हमने किसी भी तरह का कोई उपद्रव, कोई बड़ा बयानबाजी, उनसे भी बचना है। तो पार्टी ने जिस तरह से आज का जो प्रदर्शन करा वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया, पुलिस ने जहाँ रोका वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रुक गए और वापस अपने ही पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। जी